नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बंगालियों की सरस्वती पूजा क्यों है खास, आइए जानते हैं। बुधवार के दिन पूरे राजधानी में धूमधाम से वसंत पंचमी एवं सरस्वती पूजा महोत्सव मनाया गया। पूजा समितियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिमा स्थापित कर विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की गई। वसंत पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे शुभ दिन माना गया है। चार ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु को माना गया है, जिसे लेकर इस विशेष दिन पर दिल्ली के शकुरपुर में शकुरपुर बंगाली समिति के द्वारा माँ सरस्वती पूजा एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शामिल श्रद्धालुओं में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। माँ शारदे की प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी ने आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने इसके आयोजकों से बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूरे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बसंत पंचमी को लेकर एक अलग ही धूम है, भक्तिमय का माहौल है। और ऐसा ही एक माहौल शकुरपुर में नज़ारा दिख रहा है, जहाँ पे माँ सरस्वती की भी पूजा अर्चना की गई है और लोग यहाँ पे देख रहे हैं, भक्तगण अपना प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तपन चक्रवर्ती। क्या महत्व है माता सरस्वती? माता सरस्वती के जो भक्ति भर से पूजा है, उसका जो भी उसी की कृपा होते, मैजिस्ट्रेट, जज, वकील, मास्टर जो भी होता है, सब इसी के द्वारा ही होता है। माँ सरस्वती जो बड़ा बड़ा कलाकार, जो शिल्पी सब, ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। और कुछ बताइए। और मैं इसी मंडप में 25 साल में दुर्गा पूजा भी करता हूँ, सरस्वती पूजा भी करता हूँ, काली पूजा भी करता हूँ, सब यही करता हूँ। आइए, हमारा 25 साल हो गया ही। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, आयोजकों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुप कुमार विश्वास। मैं शकुरपुर बंगाली समिति का ट्रेजरर हूँ और हमारा पिछले 20 साल से 2004 से हम शकुरपुर में पूजा करते आ रहे हैं और इस बार हमारा 21 ईयर्स। ठीक है, किस्मत है हमारा सरस्वती पूजा है। ये सरस्वती हमारी विद्या की देवी है और इन्हीं की शरण में आने के बाद सभी बच्चे, छोटे से लेकर बूढ़े तक, अच्छे अच्छे पढ़ा लिखा करके बड़े बड़े, जैसे उन्होंने बताया पंडित जी ने, जज, बैरिस्टर कोई भी बनते हैं, इनकी कृपा होना चाहिए। ये इनके परिचय पहले है, ये ब्रह्मा जी के पुत्री है और इनके सबसे, देखो आज देखो ज़्यादातर हम जो बहू बेटी है, बच्चे है, पीला कपड़ा, ये पीला कपड़ा सरस्वती माँ की सबसे पसंद कपड़े है, यही है। तो ये यहाँ पे लोग भंडारे प्रसाद ले रहे हैं, ये तो प्रसाद लेते, देखो हर पूजा में जब तक पूजा के बाद प्रसाद होना चाहिए, तो हमारा हैसियत के मुताबिक हम जितने हो जाके इतने कराते और हम आगे भी बढ़ते रहते। कब से यहाँ पे? 2004 से हमने चालू किया पूजा। हमारा एक दिल्ली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, हमारा रजिस्टर्ड नंबर है 59501 शुक्र बेंगली समिति। इस पूजा के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई थी यहाँ पर इस पूजा? इस पूजा के बारे में, इधर कैमरे के साथ, इसी कैमरे के बारे में। इस पूजा के 2004 से शकुरपुर बंगाली समिति ने, मेरे जो चाचा हैं इन्होंने, फिर एक नाना जी हैं, मेरे पापा हैं, मौसा जी हैं, सारे रिश्तेदार हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर तुम? यहाँ पे बंगाली समाज सर कम से कम हमारे 150 के आसपास परिवार है और सभी की बच्चे यहाँ पे सब अपना, राजधानी दिल्ली में आ गए लेकिन अपना सभ्यता संस्कृति नहीं भूला। और आपको पता होगा सर, ओवरऑल इंडिया में नहीं बोलना चाहिए, आपने बड़ा ही नहीं करना चाहिए, जितने अच्छे से पोस्ट बंगाली नंबर वन पे है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ले लीजिए, रविंद्र टैगोर ले लीजिए, फर्स्ट नोबेलिस्ट जो है 1913 में रविंद्र टैगोर लिटरेचर में, जो गीतांजलि ने, उन्होंने लिखा तो पहले ही लेकिन उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तब जाकर उन्होंने गीतांजलि के जो ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, वहीं से आजादी की शुरुआत। हाँ, आज जो जिस लालच में अंग्रेज आए तो भी पहले बंगाल में ही आया था, उसे पलाशी लड़ाई हुआ देख लो, 1952-57 में शुरुआत बंगाल से ही हुआ। आशा करते आखिरी दम तक बंगाली के प्राधान्य रहेगा, सबसे वो प्रायोरिटी ज्यादा होगा, हम ये चाहते हैं। बताओ कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई थी पूजा? यहाँ मतलब यहाँ पे 2004 से जो शुरुआत हुई थी, मतलब छोटे खाटे से शुरुआत हुई थी, फिर मेंबर बढ़े, फिर यहाँ पे सब कुछ, जितने बंगाली समाज है, अन्य समाज भी हैं कुछ,
मतलब जैसे अन्य समाज किसी को यहाँ रोक नहीं, सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर करके एक दूसरे का मिल बांट के साथ देके हम सब यहाँ पे पूजा करते हैं और लास्ट मोमेंट तक हम पूजा करते आएंगे, कब ये पूजा बंद नहीं होनी है। और ये वाला जो पार्क है हमारा, इस पार्क में हम ये चाहते हैं बस शुक्रपुर बंगाली समिति का एक मतलब स्थाई जो पार्क जो होना चाहिए सबका है, जैसे बाल्मीकि समाज हो गया, खटिक समाज हो गया और छठ घाट हो गया, ऐसे एक बंगाली समिति का पार्क एक होना चाहिए जहाँ पे बंगाली समिति पूजा कर सके। हम सबसे ये अनुरोध करते हैं। ऐसी कोई मांग वगैरह आप लोगों ने किया अभी तक किसी से? सर मांग तो करते रहते हैं लेकिन आगे जाके कामयाब नहीं होता। हाँ जैसे आज आप आए हो, आज हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन हाँ सर ये तो हकीकत बात है, लेकिन सभी नेता हमारे साथ है, हम किसी को बुराई नहीं करते सर, किसी भी पार्टी में सभी हमारे साथ है। हम एक बात और कहना चाहते सर, ये जो पूजा शुरुआत किया था ना हमारा बीच में अभी नहीं है, अभी वो मतलब ऊपर चले गए डॉक्टर बी के रॉय, बोटे कृष्ण रॉय, वो सबसे पहले नंबर था, एक पिंटू मुखर्जी अभी है और एक नीतीश के पापा का नाम नीतीश के पापा बोलते रहो। तो ये बहुत सारे ये जो पुराना है ये बहुत हमारा हेल्प किया है, हम आगे चाहते हमारा ऐसे आगे बढ़ते रहे, आप लोगों की कृपा हो तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देख रहे हैं किस तरीके से बंगाली समाज के लोग यहाँ पे सुखपुर में रहते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को उन्होंने कभी नहीं भूला। देख रहे हैं यहाँ पे पूजा अर्चना की गई, भक्तजन अपने प्रसाद ले रहे हैं। आज बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का दिवस है, इसके लिए मैं बंगाली समिति सुखपुर को और अपने क्षेत्र और समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा सभी देशवासियों पर, सभी विश्व के प्राणियों पर सदा बनी रहे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।